सबको नमस्कार, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूपी में चुनाव अभी कितने महीने दूर है मैं बता देती हूं, 8 महीने। लेकिन गहमा गहमी यहां दिल्ली में ऐसे लग रही है जैसे परसों को चुनाव है। गहमा गहमी ने अभी जोर पकड़ा है और जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि कल अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। इसके बाद से लगातार यूपी की राजनीति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद योगी ने सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज मुलाकातों का सिलसिला लगातार चला रहा। कैसे? सबसे पहले पीएम मोदी से 80 मिनट तक बातचीत हुई, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई और अब से कुछ देर बाद योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात का एजेंडा क्या है उसको लेकर बीजेपी अभी खामोश है, लेकिन अटकलें बहुत लग रही है। अखिलेश यादव योगी के इसे दुर्दिन बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुर्सी बचाने की योगी की दर दर मिन्नतें बता रही हैं। इस मुलाकात को लेकर थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन एक थ्योरी जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि बीजेपी के लिए यूपी चुनाव से बढ़कर इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी में जीत हासिल करने के लिए वो अभी से जमकर तैयारी कर रही है। अगले 8 महीने की रूपरेखा तय करके पार्टी आक्रामक तरीके से काम करेगी। आज हुंकार में यूपी को लेकर बीजेपी के महामंथन महाचिंतन पर चर्चा करनी जरूरी है, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। हमें लगता है कि कोविड की नाकामी छुपाने के लिए ये सारी चीजें प्लान की गई। केंद्र की बीजेपी उत्तर प्रदेश की बीजेपी भारी दिखाई दे रही है। डूबती हुई नैया पर कोई सवार नहीं होता है। राजनीति यूपी की है और हलचल दिल्ली में तेज है। ये 3 तस्वीरें कल से लेकर आज तक यूपी को लेकर बीजेपी के महामंथन के बारे में बता रही हैं। आज सुबह योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, करीब 80 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। पीएम से मुलाकात के बाद योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले कल दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से योगी की बातचीत हुई। दिल्ली में मैराथन मीटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। करीबन 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ का ये काफिला जेपी नड्डा के घर से निकला है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, उस संगठन को लेकर के, उसके अलावा सरकार ने किस तरीके का जो है कामकाज किया है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं। चर्चा जो ये भी सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट रिशफल, संभावित कैबिनेट रिशफल को लेकर भी चर्चा हुई है। उधर योगी के दिल्ली दौरे ने विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। पिछले कई दिनों से इसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के सभी अखबारों में, चैनलों में खबरें दिखाई जा रही हैं। हमें लगता है कि कोविड की नाकामी छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें प्लान की गई ताकि कोविड में गंगा में प्रभावित लाशों की खबर दब जाए। केंद्र की बीजेपी उत्तर प्रदेश की बीजेपी भारी दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की में केंद्र फैसले ले रही है, माने किसको पार्टी में ज्वाइन करना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय कर पा रही है। बीजेपी को छोड़कर वो डूबती हुई नैया है, उस पर सवार हमारा मोर्चा नहीं होगा। सपा बसपा को अगर अच्छा लगे कि ये लोग अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, उन लोगों के डर है, तो वो हम लोगों के साथ आ जाएं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन योगी के दिल्ली दौरे ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। तो मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई, इस पर बातचीत करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया आपका। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक जी स्वागत है। संजीव उनियाल साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष है SBSP पार्टी के, और एक वक्त था जब बीजेपी का साथ था और आज बीजेपी के खिलाफ है। संजय निषाद साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, उन्होंने भी बाकायदा मुलाकात की है यहाँ पर अमित शाह से कल। नवेद सिद्दीकी साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर MH खान साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजभर जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि डूबती नैया में कोई भी सवार नहीं होगा, हम तो कतई सवार नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसी डूबती नैया पर कल जितिन प्रसाद सवार हो गए, आपको डूबती नैया क्यों लग रही है ये? देखिए, जितिन प्रसाद जी
अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसा ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया है कि लखनऊ में ब्राह्मण के इनकाउंटर, कानपुर में ब्राह्मण का इनकाउंटर, 17 साल के ब्राह्मण के बच्चे जो निर्दोष है उसका इनकाउंटर, यही जितिन प्रसाद जी गिना रहे थे टीवी पर आप लोगों के चैनल पर आकर के। ये बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से लोग घुसते हैं तो वहाँ जाने के बाद क्लीन होकर के निकलते हैं। अब वो क्या बोलेंगे कि बीजेपी ब्राह्मणों का इनकाउंटर नहीं करती है? अब जब यहाँ आने के बाहर रहते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बोले, जो सच्चाई थी उसको कहे हैं, अब वहाँ जाने के बाद क्या बोलेंगे? और जहाँ तक रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश राजभर, मैंने पढ़ा बीजेपी ने तमाम एजेंसियों से सर्वे कराया, सर्वे करा करके जब देख लिया कि 100 सीट से नीचे हमको रहना है, जो भी रिपोर्ट गई वो 100 सीट के नीचे गई, तब इनको चिंता बढ़ी। तो लखनऊ से दिल्ली तक जो जनता का ध्यान मूल समस्या जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, प्रदेश में अराजकता का जो माहौल है, कोरोना जैसी महामारी में जब बीजेपी को दवाई की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो ये बीजेपी बिहार में चुनाव, बंगाल में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव, केरल में चुनाव, ये चुनाव में वोट का जुगाड़ कर रहे थे। तो इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये ड्रामा कर रहे हैं। ना तो मुख्यमंत्री हटेगा, ना इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस तरह की आप देखते जाइएगा। बड़ी चर्चा थी आप लोगों के चैनलों पर भी, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे तो अरविंद शर्मा बनाए जाएंगे, तो केशव मौर्या बनाए के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ना योगी चैलेंज कर रहे हैं मोदी को, ना मोदी ना खुश है योगी से, सब ठीक चल रहा है, ये एक तरीके का ड्रामा है ध्यान भटकाने के लिए, ये महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए। ओके, कोरोना में जो गरीब दवा के अभाव में मरा है, जो जिल्लत अस्पतालों में भर्ती नहीं हुई है, उस बात को जनता के दिमाग से हटा करके खाली लखनऊ दिल्ली के घटनाक्रम का जो ये ड्रामा दिखा करके लोगों का ध्यान भटकाने की कवायद हो रही है, ओम प्रकाश और कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं और आपके पास आऊंगी कुछ सवाल लेकर। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब बैठे हुए हैं। संजीव जी, आप लोग सीधा आरोप है राजभर जी का, आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, टिकट कटवा रहे हैं और ध्यान भटका रहे हैं। रूबिका, आप लोग, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का घटक नहीं हूं, तो मैं आप लोग नहीं, मैं तो एक राजनीतिक तौर से अगर इसका डाइसेक्शन करूं इस पूरी सिचुएशन का जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले 33 करोड़ 34 करोड़ की जनसंख्या वाले ऐसे प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज ठीक है, चार पार वो एमपी जरूर रहे हैं एक क्षेत्र के, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज वो कितना साकार कर पाएंगे, कितना कारगर कर पाएंगे अपनी इस जो उनके ऊपर एक भार दिया गया, तो उन्होंने ये प्रूव कर डाला कि भगवा रंग पहनने वाला व्यक्ति एक कैसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक ऐसा कितना अच्छा व्यवस्थापक हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को आईएएस लेवल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता है, गरीबों के साथ किस तरह से जुड़ सकता है, और समाज में एक शासनम दंडेन का जो एक मंत्र है, शासन दंड से चलता है, उसको लगभग कार्यान्वित करा और शक्ति भी दिखाई, नरमाई भी दिखाई। इमोशनल होते हैं उनके आंसुओं को सब जानते हैं, जब एक छोटे से व्यक्ति की मौत होती है तो उनके आंखों में अश्रुधारा भी होती है, परंतु जब कोई व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो उसके साथ दंड का भी रोकने वाले वो व्योक्ति है, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर निबंध पढ़ने लगे, दिखाया रूबिका उन सबको, यही दर्द है उनका। नहीं नहीं, अब मैं राजभर जी जो कह रहे हैं उस सवाल का जवाब आपसे मांग रही थी, आप ही क्लीन कर सकते हैं, आप बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए, ये जो मुलाकात हो रही है, जब इतने शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव है, जब इतना बढ़िया उनको एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो फिर ये दौरे क्यों हो रहे हैं, इसकी तो कोई वजह बताएगा ना, आप इसका जवाब दीजिएगा उनियाल साहब। आलोक मेहता जी, क्या क्या वजह है? अगले साल की तैयारी के तौर पर लिया जाए या कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में इस तौर से लिया जाए?
कि रूबिका जी जितना हम समझ पाते हैं, चाहे जो बड़ी राजनीतिक पार्टी हो या छोटी हो, कि आप और हम भी यदि चुनाव की तैयारी के लिए पहले यदि सर्वे करा रहे हैं तो अभी से तैयारी करना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो रणनीति हमेशा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ में, कांग्रेस को भी या समाजवादी पार्टी अखिलेश भी चुप नहीं बैठे होंगे ऐसा मेरा मानना है, वो भी कोशिश तैयारी तो कुछ तो कर रहे हैं, एक तो वो एक्सरसाइज है। दूसरा इसका राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित रूप से असर है, मैं उस विवाद में नहीं जाता कि वो इससे कर रहे केवल ड्रामा है कि नहीं है, वो तो एक दो दिन में पता चल जाएगा, लेकिन निश्चित असंतोष भी रहा है, समस्याएं हैं, कोविड है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद साथ साथ काम चलता रहता है। जीत हार तो बंगाल में हुई ना, हार भी हुई है, हार जीत के लिए तैयार नहीं रह करके, लेकिन असम में जीत हो गई। ये चुनाव के लिए ये आवश्यक है कि अपनी पार्टी में जो ठीक करना है, ठीक है, हम यदि कोई गलती कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत है तो आप कहेंगे ना, जब आपका माइक आलोक जी संजय निषाद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष। सुप्रिया श्रीनेत, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क आप दे दें और उसके बाद संजय जी मैं आपका रुख करूंगी। रूबिका जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और वहाँ की राजनीति को बड़े क्लोजली फॉलो करती हूँ, और मैं इन सबसे एक चीज पे अग्री करती हूँ कि 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, तो वहाँ की जो रस्साकशी और तनातनी केंद्र और प्रदेश में चल रही है उसका सब पर प्रभाव पड़ता है, और रस्साकशी और तनातनी चल रही है। यहाँ से मोदी जी के दूत बनकर गए AK शर्मा जी से, 4 दिन तक मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, उनको गृह मंत्री बनाने से इनकार कर देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोरोना प्रबंधन पे मीटिंग शुरू कर देते हैं। ये सर्वविदित है कि दो मुख्यमंत्री उनकी टीम 11 जो कोविड के खिलाफ खड़ी हुई है उसका हिस्सा नहीं है। ये सर्वविदित है कि ब्रजेश पाठक जी हो या पचौरी जी हो या सतीश गंगवार जी हो, कौशल किशोर जी हो, तमामों विधायक हो जिसमें से कि राकेश राठौर जी हैं, लोकेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने भूर भूर भर्त्सना करी है योगी सरकार के कोविड कुप्रबंधन की। 100 विधायक एक साथ विधानसभा में बैठकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दिए और चिट्ठियां लिखी है, तो ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो रस्साकशी और तनातनी है इसका सारा का सारा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है, 34 करोड़ का नहीं, उनियाल साहब को ठीक कर दूं, 24 से 25 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, और वहां पर इस रस्साकशी के चलते अभी तक केवल 2 करोड़। सुप्रिया श्रीनेत, आप कह रही है रस्साकशी चल रही है, राजभर जी जो अच्छा खासा वहां पर होल्ड रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। मेरे साथ निषाद साहब भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, आपकी तो मुलाकात हुई है, आप जरा पर्दा हटाइए कि चल क्या रहा है। आज मेरे शो का नाम है मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई? निषाद जी विनम्र निवेदन है, बता दीजिए क्या चल क्या रहा है भाई। नहीं देखो, मैं सहयोगी दल हूँ, मेरे सहयोग से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड मोहम्मत आई। मेरे 2018 में मैंने सपा और बसपा के साथ मैंने गोरखपुर उत्तर प्रदेश का योगी जी की सीट को मैं चुनाव लड़ा था, उस पर एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। हमने जो देखा अब तक, 2017 में चुनाव लड़ा था, मेरा एक विधायक है, 6.5 लाख वोट मिला, हमने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हमने 20,000, 25,000, 50,000 वोट, जहाँ ये लोग हमारे बिरादरी को 5,000, 10,000 दर्शाते थे। तो ये एक ऐतिहासिक काम, ये जो राजनीति है, राज का मतलब होता छुपा, नीत का मतलब होता पॉलिसी होती है, ऐसी छुपी पॉलिसी चल रही है प्रदेश में कि हमारे प्रदेश की जो जनता है वो त्राय त्राय कर रही है। वो चाहे किसी की सरकार रही है, कांग्रेस के साथ लंबे समय से रही है, सपा के साथ भी रही है, पूर्ण बहुमत की भी रही है, 60 बहुमत की रही है, बसपा के हाथ में रही है, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हमारे हाथ में सत्ता ही नहीं थी और हम हमारे हाथ में रहती तो हम अच्छा कर सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वर्तमान में है, जवाब उसी को देना है। आज योगी जी देख रहे हैं तो उन जवाब उनको देना है कि लाशें कैसे तैर रही हैं गंगा में, उनको जवाब देना है कि ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है कि ये जो लाशें हैं ये आखिर कोरोना जो है जलाने से मरता है। कोरोना से जो अमित शाह जी से क्या आपने शिकायत की थी योगी आदित्यनाथ की? तो मैंने शिकायत नहीं की, मैंने उनसे सुझाव दिया कि मैं मित्र हूँ और मित्र का काम होता सही सही बात बताना, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं ये हमको उनको बताना था, कानून का स्थिति क्या चल रहा उनको शिकायत क्या करेंगे, हमारा उसमें उस सरकार से लेना देना है नहीं। हाँ। हम सरकार से बाहर हैं, हम कोई मंत्री भी नहीं कैबिनेट, मैंने उनसे यही बताया कि आखिर ये थोड़ा सा आप नाराज चल रहे हैं, तो आपने कहा कि मेरी नाराजगी तभी दूर होगी जब आप मुझे सरकार के अंदर शामिल करवा दें, थोड़ा मेरा देख लीजिए, थोड़ा मेरे बेटे का देख लीजिए।
ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने उनसे ये कहा कि आज के दिन में अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर होते तो हमारे लोगों को चौकी नहीं फूंकनी पड़ती, तो मैं डीएम के सामने खड़ा हो जाता, या तो फिर हम आपको कोर्ट में घसीट लेंगे, खत्म करा दूंगा 2 घंटे के अंदर, कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसे हरा कर जो हारा हुआ प्रत्याशी दे दिया जाए और हमारे लोगों को चौकी फूंकना पड़े और तब प्रमाण पत्र मिले। अगर हम पावरफुल होते तो आज के दिन में हमारी जो निषाद समाज की दशा है कि 2007 में बसपा आई तो हमारे लोगों का जमीन छीन लिया, राज्य सरकार को भेज दिया, पट्टा हो गया। आप कह रहे हैं कि समाज के लिए मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब आप मुझे पावर देंगे। आप ये डील करके आए ना, आज 7 बजे भी आप उस पर स्टैंप लगवाने जाएंगे? फिर अभी नहीं, मैं उनसे पहले भी कहा था कि जब भी उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं आपके साथ आ रहा हूँ, अगर हमें पावर देते तो समाज का भला होगा, नहीं तो आप जानिएगा मेरा समाज गुस्से में आता है, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर देता है, सपा बसपा का छूना बंद कर देगा, आपको छूना बंद कर देगा। मैंने तो उनसे बता दिया, संजय बुनियाल साहब लोगों से कहा था कि संजय निषाद साहब की बातें सुनी ना आपने, हमारे लोगों ने अलग से। ओके ओके, आप दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, महत्वपूर्ण मेरे सारे गेस्ट है, लेकिन इस वक्त 2 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ हुंकार में मौजूद है। एक तो निषाद साहब निषाद पार्टी के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त राजभर साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं सोहेलदेव पार्टी के। आप इस बात को समझिए कि इन दोनों के महत्वपूर्ण किरदार क्यों हो जाते हैं, और मैं चाहती हूं इन दोनों को स्क्रीन पर रखा जाए। राजभर जी, निषाद साहब कह रहे हैं कि पावर दीजिए तो मेरे समाज का उत्थान होगा, मेरे समाज का उत्थान होगा तो आपकी पार्टी का उत्थान होगा। आप मुलाकात के मूड में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अमित शाह से? देखिए, मैं अमित शाह जी से मुलाकात करके सरकार में मंत्री बन करके, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार में मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री का झगड़ा 2 साल चला। किस बात का झगड़ा? हमारा कोई ठीका पट्टा का या व्यक्तिगत नहीं था, हम चाहते थे कि घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर दो, हम चाहते थे कि समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त कर दो, हम चाहते थे गरीबों को दवाई फ्री में कर दो। जो बार बार आरक्षण की बात होती है, हमारे बड़े भाई हैं माननीय संजय निषाद जी, ये भी बीजेपी के साथ गए तो इनको भी कह के ले जाया गया कि हम आपको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जा देंगे, आरक्षण लागू कर देंगे, लेकिन इन्होंने 19 में वोट दिलाया, उन स्थिति क्या हुई, आरक्षण नहीं मिला। हम तो उनके साथ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि हम 27% आरक्षण का बंटवारा 6 महीने में कर देंगे। जब हमने दबाव बनाना शुरू किया तो 2 बार आपने देखा कि लखनऊ में माननीय अमित शाह जी 2 बार आए, सीएम से हमारी उनकी पंचायत हुई, फिर उसमें राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट 30 मई 2018 को दिया, रिपोर्ट आ गई, 3 साल से वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में है, आरक्षण निषाद जी को भी नहीं मिला। और जो वादा करके जनता के बीच में हम लोग 17 में आए, उसके पहले जो वादा करके बीजेपी जनता के बीच में आई, 2 करोड़ नौकरी देने की बात उन्होंने कहा, महंगाई कम करने की बात कहा, आज उठा के आप देखिए महंगाई आसमान पे, 2 शतक पार कर गया सरसों का तेल, 1 शतक पार गया पेट्रोल, 9 रन पीछे है आपका डीजल, अब वही सारी महंगाई एकदम चरम पे है। स्थिति ये हो गई है कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं भी गरीब की थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। जिस इशू को लेकर हम तो मिनिस्टर थे, वो अभी जाना चाहते हैं वहाँ, मैं आपको बता दूँ किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि कोई मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात कह दे। मैं कैबिनेट में 2 साल रहा हूँ और सत्ता पाने के बाद लोग सत्ता के गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, पहली बार मैंने सदन में जाकर के ये दिखाया कि मैं मिनिस्टर था, तब भी विधायक हूँ, तब भी सत्ता को लेकर आपकी लालच वक्त वक्त पर दिखती रही है, ये आरोप आप पर भी लगते हैं, आप उसकी सफाई कैसे देंगे मुझे, मैं उसका इंतजार करूंगी। नहीं, बता दीजिए कि मैं, एक सेकंड रुकिए राजभर जी, एक सेकंड रुकिए, एक भी प्रमाण कोई दे दीजिए, मैं आपको वो प्रमाण भी दूंगी और उस पर चर्चा भी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आलोक जी, 2 पार्टी के महत्वपूर्ण लोग इस वक्त यहाँ हुंकार में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, क्या यही वजह है कि उसे दुरुस्त करने के लिए, उस पूरी की पूरी डीरेल लाइन को ठीक करने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है? ये क्या योगी वर्सेस मोदी हो रहा है इस वक्त? देखिए रुविका जी, ये तो मैं कतई नहीं मानता कि योगी वर्सेस मोदी है, क्योंकि मोदी ने उनको बनाया, अमित शाह की चॉइस, यही जरूर पहली चॉइस कहना चाहिए अमित शाह जी की, और उसके बाद मोदी जी की
वहां के बिना तो रोगीदास दास कैसे रहते। अब ये दूसरी तरफ लेकिन ये पार्टियों की जो नाराजगी है निश्चित रूप से उनकी बात यदि नहीं मानी, पहले भी घटकों का झगड़ा, आज से जनता पार्टी 67, 69 या आप उसके बाद देखे 77 में जनता पार्टी कैसे चुकी। मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस भी यदि गठबंधन की राजनीति में कई बार उसको भी घाटे हुए हैं और यही भाजपा समझती है, उसने जहां जरूरत थी उसका उपयोग उनका किया या इन्होंने उनका उपयोग किया। आप ये क्यों बोलते, मायावती जी के साथ भी तो बीजेपी का एक समय में समझौता हो ही गया था, डॉक्टर बोले खुशी थे और तभी उन्होंने कहा नहीं अभी तो राजनीति में सब चलता है, मायावती जी आ गई तो आप ये कह रहे हैं राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन चल क्या रहा है इस वक्त दिल्ली में ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताने को राजी नहीं हो रहा है। नवीन सिद्दीकी साहब भी है और एम एच खान साहब भी है, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि वहाँ यहाँ पर कोरोना के संकट से देश जूझ रहा है और सरकार के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए मुलाकातों का दौर है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि नहीं, रस्सा कसी चल रही है उत्तर प्रदेश में और इसीलिए ये मुलाकात यहाँ पर हो रही है दिल्ली में। हमारे साथ सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। नवेद सिद्दीकी साहब, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क आप करें, सॉरी कि मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ, और उसके बाद खान साहब आपके पास। नवेद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रुपिका जी। मैं राजभर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और जैसा कि आपका आज का टॉपिक है मुलाकात, अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है, बहुत खूबसूरत शब्द है मुलाकात, लेकिन मुलाकात सुकून से की जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन में अगर आप 2, 3, 4, 7, 9 और 10 मुलाकातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी का, वो एक खौफ का, एक डर का, एक एक, 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 एक एक कोई चीज खोने का एक खौफ जो है वो कहीं बयां करता है। तो ये मुलाकात इस तरह से होती है, मुलाकात तो इस तरह से होता है कि एक पिनान से इंसान बैठकर कुछ गुफ्तगू करे, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। और एक खूबसूरत गीत मुझे याद आ गया कि मुझसे मेरा साया दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा। तो ये सिर्फ भागा दौड़ी का दौर चल रहा है, इनको मालूम है कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे और मौला जाने क्या होगा आगे। अच्छा नवीन साहब, आपको पता है कितनी देर मुलाकात हुई है? नहीं नहीं देखिए, अब वो मुलाकात में मैंने आपको बताया कि एक में इतनी मुलाकातें, ये खौफ का कहीं ना कहीं नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि वो भागम भाग हो रही है, भाई 1 से 80 मिनट बातचीत होती है, 1 से 90 मिनट होती है, 1 से 120 मिनट बातचीत होती है, और आप तो फिर ये क्या बातचीत क्या कर रहे थे, मौन व्रत तो धारण नहीं किया होगा, और अगर मनमुटाव है तो 80 मिनट बात नहीं हो सकती है। मान लीजिए आपकी और मेरी किसी बात को लेकर रस्साकशी है, मैं आपसे नाराज, आप मुझसे नाराज, 80 मिनट तो हम बात नहीं कर सकते, फिर तो वो कहते ना 4 मिनट 5 मिनट शिष्टाचार और चलिए अब अपने अपने काम पर, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं देखिए, बात हमने आपको बताया कि बेचैनी की बात है और इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि अजमर साहब ने कहा कि माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है, रूबिका जी इसको समझना होगा। और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक एक मिनट का 80 मिनट 190 मिनट 130 मिनट सारे आंकड़े आपके पास है, ये बहुत अच्छी बात है कि किससे क्या बात हुई, ये सबसे एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज है। लेकिन यह है कि ये माइंड डाइवर्ट करने की चीज है। अब जहाज डूब रहा है तो थोड़ा दौड़म जो तरह से दौड़ना और ये सब तो लगा साहब, जहाज डूब रहा है भाई और इसीलिए राजभर जी आपके साथ आना नहीं चाहते हैं। रूबिका जी, ये जो तकल्लुस और जो बड़ी नजाकत वाली बातें हो रही हैं, इसका कोई मुझे लगता है अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है कि जिस संगठन, जिस भारतीय जनता पार्टी की ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कि उसका जो बेस है, जब एक पार्टी सिर्फ एक सीट पर होती थी और उसके बाद थम्पिंग मेजोरिटी से 303 पर पहुंची, तो परामर्श, आपसी बातचीत, बैठक और एक दूसरे से चर्चा, ये इसका बेस रहा है और इसको शायद और किसी पार्टी ने बहुत गहन चिंतन के साथ नहीं देखा। लगातार बातचीत करना, परामर्श करना और वो भी 80-80 मिनट तक, अगर इस बात के तो अपने आप में बताता है। और मुझे संस्कृत का श्लोक आता है, तो फिल्मी गाने सुना रहे थे, समानो मंत्रा समिति समानी, समानी वा होती समानी हृदयानी वा।
मैं आज साथ बैठूं, साथ खाऊं, साथ चाय पीऊं और साथ एक हृदय से हम एक जो है निश्चित स्थान पर चलने की तैयारी करें, ये एक मंथन के लिए बैठकर बातचीत करने का एक तरीका है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब से मिलने का क्या तरीका? उससे तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट। आपकी बातों को दो लोग काउंटर करना चाहते हैं, रूबिका आप बोल दीजिए, उसके बाद नवीन साहब आपसे बात करेंगे। नहीं, इन्हीं हजरत के इन्हीं की नजाकत के साल ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में वर्षों पुराना है। नवीन साहब देखिए, आप बोले बहुत, मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने नजाकत के ऊपर बात उठाई, नजाकत से हमारे देश की पहचान है। ये मैं बता दूं कि नजाकत से आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है, ये गंगा जमनी तहजीब जो है, ये नजाकत से ही निकल कर आती है, जो आज दूर दूर तक हमारे हिंदुस्तान का नाम है। दूसरी चीज, आपने एक इमोशनल बात बताई थी कि योगी जी जब अभी ये जब हालात हुए थे कोविड में, जब लोगों की जान गई, तो योगी जी बहुत उदास थे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 465 बच्चों ने अपनी जान खोई थी और उनके माँ बाप जब शिकायत करने गए थे और एक हादसा बड़ा हुआ था, तो मोदी जब योगी जी से शिकायत की गई, योगी जी ने कहा था कि ये नौटंकी बंद करो। माँ बाप से जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे उनसे कहा गया था कि टंकी बंद करो और अपने घर जाओ। और आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत इमोशनल इंसान है। ओके, संजय साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन एमएस खान साहब, एमएस खान साहब, आप बता दीजिए क्या चल रहा है। मैं रूबिका जी, आप शुक्र जी, नहीं रूबिका जी, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, एक एक प्रक्रिया होती है, लोग मिलते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा बता रही हैं आपकी 50 मिनट 80 मिनट फला मिनट, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी इतनी लंबी लंबी मीटिंगें होती हैं। मैं समझता हूँ, जैसा कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी न किसी मिनिस्टर की सुनते हैं, न किसी एमएलए की सुनते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की ही सुनते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो कहता है वही करता है। इनके एक मंत्री हैं लखनऊ के, ब्रजेश पाठक, उन्होंने कोरोना काल में कहा कि यहाँ लखनऊ का डीएम और यहाँ का सीएमओ कोई फोन नहीं उठाता है, कोई मदद नहीं करता है, ये नाकारा लोग हैं। आज तक ये दोनों अधिकारी मौजूद हैं, कोई नहीं हटाए गए। यहाँ पर वो चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए कोरोना काल था, तो कोरोना काल में योगी जी को यहाँ पर लोगों की मदद करने चाहिए थी, बल्कि ये बंगाल में और कहाँ कहाँ हम हिंदू की तरफ घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर जा रहे थे, घूम रहे थे पूरे ठीक है खान साहब। और देखिए, अब आज की डेट में आज भी पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ाया गया है। हाँ। आज भी पेट्रोल नहीं, एक राय मेरी ले लीजिए, अगर ये मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल डीजल पे ये 50 रुपया टैक्स लेते हैं, अगर ये 15 रुपया हर लीटर पर कम कर दें और सिगरेट पर, पान बीड़ी पर, शराब पर बढ़ा दें, तो इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, है लेकिन आम जनता, किसान, स्पेशली जो है विद्यार्थी सब, ये क्लिप में कोशिश करूंगी स्पेशली, क्योंकि आपका सजेशन है ये पहुंचाया जाए जरा यूपी की सरकार को। लेकिन सुप्रियश्रीनेत जी, मैं तो रूबिका जी सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा है, इफ ऑल इज वेल, सब शांति है, तो बंद लिफाफों में नेता जाके गवर्नर को क्या दे आते हैं? तीन तीन बार बुलाने पर योगी जी क्यों नहीं आते हैं? 100-100 विधायक बैठ के विधानसभा के अंदर उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों करते हैं? एके शर्मा जी यहाँ से भेजे जाते हैं गृह मंत्री, 200 विधायक आप, और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, 200 विधायक बैठे थे विधानसभा में, 100 विधायक नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कुप्रबंधन था कोविड के दौरान, उत्तर प्रदेश में जो कुप्रबंधन रहा, जो असुरक्षित है महिलाएं, हाथरस के वक्त हमने देखा कि कैसे आला अधिकारी और मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता इसको रेप नहीं बताते थे, और जब सीबीआई ने रेप किया तो उन अफसरों के खिलाफ क्या कोशिश करी गई, क्या उनके खिलाफ तफ्तीश करी गई, ये मैं जानना चाहती हूँ। और इसीलिए योगी जी आज मारे मारे फिर रहे दिल्ली से लखनऊ। और सच ये है कि मोदी जी खुद इतने परास्त हैं
कोरोना में अपना एक कुप्रबंधन से कि वो योगी जी को क्या बताएंगे, यही रस्सा कशी है, मोटा मोटा लब्बो लबाब ये है। और उनियाल जी, आप तो संघ के प्रचारक है, उसके तौर पे ज्वाइन किया करिए, आप ये क्यों बोलते हैं बार बार मैं राजनीतिक विश्लेषक, आप संघ की बात करते हैं, मैं उसका आदर करती हूँ, आप उसकी बात करिए, आप अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों कहलवाना चाहते हैं मैं नहीं समझती हूँ। बोल चुकी सुप्रिया, मैं बोल चुकी सर, अब आप जो बोलना बोलिए, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हमेशा हमको अपनी जो मान्यताएं हैं, जो असलियत है, उससे बात करनी चाहिए। संजीव उनियाल, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। संजीव उनियाल जवाब दीजिए, आप संघ के बात। सुप्रिया जी, आप सुप्रिया जी चुप रही है ना, आप जरा सुप्रिया जी, आप इम्पार्शियल आप ये आप रिपीट करते हैं, अब आप सोचती है कि कोई बोले ना। रूबिका, इनकी आवाज तो बंद करिए, मुझे काउंटर करने दीजिए, इनकी हताश, इनकी इनका इनकी हताशा बता रही है, कितनी हताश है इनकी हताशा, इनकी नाकामयाबी, इनका वो वेस्ट बंगाल का जीरो जो फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो एक विचारधारा और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, आप उसमें राजनीतिक विश्लेषक मुझे क्यों नहीं कहना चाहती? मैं एडवोकेट हूँ और मैं राजनीतिक विश्लेषक हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता? बोले जा रही है क्योंकि आपको पता है कि आपको जवाब मिलने वाला है बड़ा करारा, इसलिए आप सुनना नहीं चाहती है। जतिन प्रसाद का आपको ध्यान नहीं आ रहा, जतिन प्रसाद क्यों आपकी डूबती नैया में से उतर के आए? आपको अमरिंदर सिंह याद आ रहा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह को एक परिवार ने, माता और बेटे ने बुला लिया, तो आपको ऐसा ही लगता है कि शायद यहाँ भी ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये विचारधारा से परिपूर्ण ओतप्रोत पार्टी है, ये विचारधारा से लगी हुई पार्टी है, यहाँ चाय वाले को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यहाँ पर नेहरू परिवार का होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, राजनीतिक विश्लेषक रहूंगा और राजनीतिक विश्लेषक आपको कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी शून्य बन चुकी है, वेस्ट बंगाल में भी शून्य बन चुकी है, आप उसकी प्रवक्ता है, इसलिए आपको शर्म आती है, पर आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकती। पर मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, और ये पार्टी, ये इसी विचारधारा से चलने वाली पार्टी, ऐसे ही आपस में बातचीत करके मंथन करते हुए आज आपके जहाज को इन्होंने डगमगा दिया है। आपका जहाज आपकी तरफ मंजूरी ना हो, ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने अपने ये पूरा सेगमेंट बड़ा पर्सनल हो गया। उनियाल साहब रुक जाइए, उनियाल साहब रुक जाइए, सुप्रिया सुनेत जी रुक जाइए, एक सेकंड मैं लौट कर आऊं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर लूं मैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इम्पोर्टेंट है ना इस वक्त। और सुप्रिया सुनेत, मुझे ये बताइए कि भाई, मुझे ये बताइए, किसी भी विचारधारा का हो, क्या वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता? क्या संघ की विचारधारा वाला राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता? ना ना, नहीं हो सकता रूबिका जी। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब होता है कि आप दोनों पक्षों की बात करेगा, कभी आप उनकी बात करेगा, कभी आप उनकी बात करेगा। नहीं तो आपकी तरफ से भी बड़े ऐसे राजनीतिक विश्लेषक आते हैं जिनकी विचारधारा पूरी पूरी आपकी विचारधारा से मैच करती है। विश्लेषक नहीं है अगर कोई सिर्फ हमारी बात कर रहा है, तो वो हमारा सिंपल, नहीं तो वो तो ओपनली कह रहे हैं ना, वो ये ओपनली बात कह रहे हैं ना। लेकिन आप ये कैसे कह सकती है कि चूंकि किसी विशेष विचारधारा से है तो वो फला चीज नहीं कर सकता है? और हमें, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर किसी तरह की कोई चर्चा भी करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आपको उनियाल साहब में इंटरेस्ट है या आपको इंटरेस्ट है योगी आदित्यनाथ में, या फिर आप मुझे बता दीजिए जितिन प्रसाद में? और यही वजह है ना कि गड़बड़ हो जाती है सुप्रिया सुनेत, क्योंकि आप संजीव उनियाल में फंसी हैं, वहाँ योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, आपके जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस। धन्यवाद सुप्रिया जी, मैं तो बता रही हूँ, मुकुल राय जी भी छोड़ के आ गए, तो ये बेचारे कितने फंसे हुए हैं, ये बताइए। मुकुल रॉय उनके पास, तो फिर उनको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ ना संजीव उनियाल साहब, सुप्रिया सुनेत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, नुकसान तो आपको हुआ भाई, आपकी पार्टी में आए और आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए,
और कह रहे हैं मुझे घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। तो इनको, आप इनको, ये कुतर्क हुआ। और मैं आप एक सेकंड मुझे आगे बढ़ना है। दो सर सुनिए, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं जीरो लाऊंगा, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है एक निषाद पार्टी के, दूसरा जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। एक सेकंड संजय निषाद साहब, 7 बजे आपकी अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा, तो फिर जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो फिर इस पार्टी के साथ बने क्यों रहना? टाटा कीजिए ना आप राजभर जी जैसे, उनसे थोड़ा लेसन ले लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुलाकात अगर हमसे हुई है तो किससे चर्चा इस पे होनी चाहिए। ये कांग्रेस के लोग जो बहस कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि कभी कांग्रेस की सरकार थी तो मछुआरों के आरक्षण की फाइल, राजभर के आरक्षण की फाइल ये गायब करा रखा मुकुल वासनी शैलजा ने, मुकदमा हमने नई दिल्ली थाने में लिखवा रखा है, ये क्या बोलेंगे? आप आइए मुद्दे की बात। अमित शाह से पहले हमारी मुलाकात हुई है, हमारे क्या नाम है राष्ट्रीय महासचिव जो अरुण सिंह से, हमारे भूपेंद्र यादव जी से बात हुई है, मैंने उनके मैसेंजर जो है अरविंद शर्मा जी से बात हुई है। हम मित्र होने के नाते सही बात बताया कि जो आज चल रहा उत्तर प्रदेश में, जो आज के दिन में उठा पटक चल रहा है, आपस में प्रतिद्वंदता चल रही है, जो व्यवस्था कुव्यवस्था चल रही है, हम कहते हैं हो जाता है महामारी में, हम कहते हैं कि सपा बसपा की भी सरकारें रही हैं, उनके समय में भी कुव्यवस्था रही है। मैं ये कह रहा था कि मैं जो मिल जाएगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अरे आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि आज 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 के दिन में मिल समर्थन से चुनाव जीत गए थे, उसके बाद भाग गया। हम कहा मैं भाग नहीं गया, सपा 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 अगर सपा ने आप सपा से पूछे, सपा से पूछे भागे डर के मारे, भागे वहाँ डर के मारे, योगी आदित्यनाथ के डर से भागे आप, कि योगी आदित्यनाथ जी दबा लेंगे आपको, क्यों भागे आप? आप जैसे लोगों ने, आप जैसे खिलाफ वोट पड़ा, आप जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने अखिलेश को डुबो दिया, आप ही जैसे नेताओं ने, आप ही जैसे नेताओं ने, मैं कहता हूँ हिम्मत था तो अखिलेश यादव का समर्थक नहीं हूँ, घोषणा क्यों नहीं कराया? आप जैसे लोगों ने घोषणा अपने समाज को भी बर्बाद कर दिया, अपने लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा मांग रहे हो, कैबिनेट मंत्री मांग रहे हो, अपने लिए नहीं, 8 महीने की डुबती हुई सरकार में पाना चाह रहे हो, ये शर्म की बात नहीं है? इलाहाबाद में इलाहाबाद में नागेंद्र पटेल जीता था, उसका टिकट क्यों नहीं दिलाया? आप ही जैसे लोग सपा को खा रहे हैं, आप ही जैसे लोग बसपा कांग्रेस को खा रहे हैं, सारी पार्टियों के आप ही लोग पुराने नेता हैं, 70 साल से गोरखपुर कहता हूँ, आप जिस पार्टी में उसकी राजनीति करिए, आप ही लोग खाते 70 साल से सरकार, आप ही लोग एमएच खान साहब अभी साल भर बाकी है चुनाव में, रुकिए ना, अभी 7 बजे मुलाकात करेंगे, 7 बजे मुलाकात करेंगे, जरा देखते हैं उसके बाद क्या बात बनती है। वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। आज दोपहर 12:15 से 2 बजे के आसपास तक जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत चली है, बैठक चली है। कल भी जेपी नड्डा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, और खबर ये आ रही है कि आज मुलाकात के बाद वापस वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, सूत्र ये बता रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।